CNAC आपने उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें चार पोर्शन है, पहला है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, दूसरा है मैरिज का, तीसरा है ड्रीम्स का और चौथा है रिटायरमेंट का। याद है, सबको याद है ना, ये चार पोर्शन है। अच्छा, ये क्यों चार पोर्शन है? देखिए, पहला क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, दूसरा क्या है बताए ना, मैरिज या एजुकेशन, इसको मैंने एक ही पोर्शन में लिखा है। तीसरा क्या है, ड्रीम्स, और चौथा है रिटायरमेंट। अच्छा, इसको मैं इस तरह कंक्लूड करता हूँ कि ये वो चार दरवाजे हैं, फोर डोर्स हैं, जिसमें से अगर क्लाइंट पहले दरवाजे में से बाहर निकल आता है, आपकी पहुँचने से आपकी दृष्टि से बाहर निकल आया, ये दरवाजा आपका बंद हो गया, तो वो इधर फॉल करेगा मैरिज और एजुकेशन के। अगर इधर फॉल नहीं करेगा तो वो ड्रीम्स में फॉल कर लेगा, अगर ड्रीम्स में फॉल नहीं करेगा तो वो उसकी रिटायरमेंट, उसकी नीड को आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये चार वो दरवाजे हैं कि इसमें से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस दरवाजों में चारों के चार दरवाजे खुदा नखास्ता बंद हो आपके लिए, किसी न किसी जगह पे वो बंदा फॉल जरूर करेगा। इससे बट मतलब हमारी जो प्लान है या हमारी जो फील्ड है, ये इन चार दरवाजों के अंदर है, कहीं ना कहीं पे उसकी नीड आइडेंटिफाई लाजमी होगी। हाँ, अगर ऐसा हो तो एक बंदा बहुत कैलकुलेटेड है, मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, 100 में से एक बंदा ऐसा होगा। मैं अपने 15-16 साल के करियर में मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो मतलब इतना परफेक्ट हो, जिसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी ली हुई हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के मैरिज और एजुकेशन के लिए, उसके पास कंप्लीट कोई ऐसी चीज़ इंतज़ाम हो जो उसको एजुकेशन और जो मैरिज है उसको मसला ना हो, फिर उसके ड्रीम्स कंप्लीट हो, या उसके ड्रीम्स हो ही ना, या अगर हों तो वो सारे अरेंज हों, उसके लिए फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर रिटायरमेंट भी उनकी ज़बरदस्त हो, ऐसा कोई बंदा नहीं आया अभी तक और ना आएगा कोई ना कोई। हाँ, ये हो सकता है कि एक बंदा है उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपका दरवाज़ा बंद हो गया। अच्छा, वो आपको कहते हैं कि सर मेरा तो एक ही बेटा है, मैंने उसकी एजुकेशन और मैरिज के लिए 2 करोड़ रुपये 3 करोड़ रुपये जितना या 50 लाख मेरा खर्चा था वो मैंने अरेंज किया हुआ है, अकाउंट में पड़ा हुआ, ठीक है, ज़बरदस्त है। फिर वो उसके ड्रीम्स ऐसे हैं जो उसने फिल किए, वो कहता है मेरी ज़िंदगी में जितने ड्रीम्स थे मैंने सारे फिल कर लिए, और रिटायरमेंट भी वो कहता है कि मैं OGDCL में हूँ, OGDCL का नाम इसलिए मैं लेता हूँ कि उनकी रिटायरमेंट बड़ी अच्छी इनकम होती है, मैं OGDCL में हूँ तो मेरी जो इनकम रिटायरमेंट के बाद बढ़ जाती है, अब मैं 1 लाख रुपये ले रहा हूँ तो जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं 2 लाख रुपये लूँगा। शायद ऐसा आपको कोई बंदा मिल जाए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने लाजमी उसको पॉलिसी पर देनी है, हमने इसके साथ चपकानी नहीं है, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि सर मेरे सर्विसेज की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि आप इतने ज़बरदस्त कैलकुलेटेड हैं, वेल अरेंज हैं, सारी चीज़ें आपने की हुई। अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिला तो यू कैन से, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। लाजमी बात है कि अगर आप OGDCL की मैं बात कर रहा हूँ, उनके भी आप देखें तो उनके शार्ट फॉर्म्स कहीं भी बनेंगे, ठीक है। अब आपको पहले पोर्शन में लिखा हुआ है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, तो कोई बता सकता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है? वैसे आप आफ्टर डेथ की कौन बंदा डिस एग्री करता है इस बात से? जी कैसे और बताएं फिर, कोई और बंदा बताए कि 3Ds के अलावा उससे जो है वो अपने रिटायरमेंट के लिए जो पैसे जमा कर रहा है वो भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ही है, किसान के लिए 20 साल जो पैसे जमा कर रहा हो, ठीक है। अभी आप पहले बताइए बिजनेस डिपार्टमेंट चला गया हमारा, तो लाइफ का है, लाइफ में सर हम बिजनेस नहीं करते।
अगर बिजनेस को आग लग जाए तो बिजनेस रिटायर हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम तो नहीं दे सकते। आपने एक प्लान लिया, ठीक है, प्लान लेके आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया और गैस उसके लिए कैश वैल्यू, ठीक है, वो तो कैश वैल्यू तो और चीज़ है ना। अब हम प्रोटेक्शन की वो बात कर रहे हैं जो गारंटी है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चीज है, ठीक है, लेकिन जो हम गारंटीड अमाउंट की पहले दिन से बात करते हैं ना, जनरल टर्मिनोलॉजी से पहले दिन से हम उस चीज़ की बात करते हैं जो पहले दिन से हम गारंटी करते हैं। पहले दिन से मना दिए कि मतलब पॉलिसी इशू हो जाए तब हम क्लाइंट को कहते हैं पहले दिन से, तो वो उसकी प्रोटेक्शन जैसे शुरू जो होती है वो जब उसकी पॉलिसी इशू हो जाती है उसमें हम 5 दिन लगाते हैं या 10 दिन लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है। आप ये अल्फाज बताया करें, मुंह से बोला करें, माली तहफ्फुज, ये वो अल्फाज हैं जो आम इंसान को समझ आते हैं, ले मैन को माली तहफ्फुज, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर आप किसी को कहते हैं सम कवर्ड, सम अशोर्ड, तो वो तो उसको नहीं समझ आएगी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सम अशोर्ड, सम कवर्ड, टेक्निकल वर्ड्स को ख़त्म करने के लिए आप उसे कहते हैं माली तहफ्फुज। सर हम आपको पहले दिन से गारंटीड माली तहफ्फुज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड। अब प्रोटेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेजी का है ना, ये तो हर बंदे को समझ आती है। अच्छा इसका फार्मूला क्या है पता है किसी को? सम अशोर्ड, सम कवर्ड, प्रोटेक्शन अगर अंग्रेजी में सिंपल कहें, इसका फार्मूला किसको पता है? बच्चा आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है क्या है? किससे? ये जो सम कवर्ड है सम अशोर्ड उसका फार्मूला है, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, इसका फार्मूला है कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय कवर मल्टीपल। कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो क्लाइंट ने हमें देने हैं, वो पैसे जो क्लाइंट ने हमें साल के एक साल के अंदर अंदर देने हैं, जिसको इंश्योरेंस में प्रीमियम कहते हैं, तकाफुल में इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। हम लोगों ने प्रीमियम यूज नहीं करना है, मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ लोग इंश्योरेंस से आए हैं, इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस को समझते हैं, वो प्रीमियम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो क्लाइंट ने हमें देना है, ठीक है, एक उर्दू में अगर कहें किस्त जो उसने हमें देनी है, ठीक है, तो उसको हम एक अदद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल कवर कुछ नहीं है, एक हिंसा, यू कैन से ये एक डिजिट है, एक अदद है, एक हिंसा है, ठीक है, जिसको हम, लेकिन हमें कंपनी ने एक बाउंड किया हुआ है, इसको हम एक लिमिट के अंदर दे सकते हैं। ये कितना है? 5 से लेकर 200 तक। इसके दरमियान में कोई भी डिजिट, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 200, इसके दरमियान में हम डिसाइड करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन को अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब हमने कितनी प्रोटेक्शन देनी है वो उसकी शुरू हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 1 लाख रुपया और उसको हमने मल्टीपल कवर दिया 20, तो कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख रुपया क्या शुरू होगी? ये प्रोटेक्शन शुरू होगी। अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि हमने कितनी प्रोटेक्शन देनी है बंदे को, कैसे जजमेंट करेंगे किस बंदे को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी 1 करोड़ बहुत है, 1 करोड़ हम कैसे डिसाइड करेंगे जब हम क्लाइंट के सामने बैठे हैं कि यार इसको हमने 5 मल्टीपल कवर देना है या 200 मल्टीपल कवर देना है? सर उसकी एज डिपेंड करती है और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे हम अंदाजा लगा, उसकी एज डिपेंड करती है। ये कह रहे हैं कि एज को देख के हम मल्टीपल कवर डिसाइड करेंगे और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के उसको हम डिसाइड करेंगे। और कोई बंदा? एग्जैक्टली, देखो मेन जो चीज है वो नीड एनालिसिस के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमने उसको कितनी प्रोटेक्शन दी है, देनी है उसको, जरूरत कितनी प्रोटेक्शन की है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उसके एक्सपेंसिस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही गारंटी कर रहे होते हैं ना। तो एक बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, मेरी जिंदगी जो है वो 1 लाख में पूरा होना है, तो 1 लाख रुपये को हम प्रोटेक्ट करेंगे ना, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। फिर दोबारा बात एज की आ गई कि कितने साल के लिए, वो डिपेंड्स अपॉन कि उसकी करंट एज क्या है। उसकी करंट एज जितनी है उसके हिसाब से हम रिमेनिंग एज जो है उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देंगे। तो एज बिल्कुल काउंट होगी, आप उसकी एज के हिसाब से उसको मल्टीपल कवर देंगे, फिर उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मल्टीपल कवर देंगे। लेकिन उसकी मेन जो ओवरऑल है वो एक नीड को आइडेंटिफाई जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने उस बंदे को कितनी प्रोटेक्शन देनी है।
अच्छा कुछ लोग, एक बंदा है, एक और चीज को भी यहाँ पे आपने माइंड में रखना है, एक बंदा है वो लीस्ट कंसर्न है प्रोटेक्शन के साथ, वो कहते हैं मुझे प्रोटेक्शन को जहन में निकाल लें, प्रोटेक्शन के अगेंस्ट एक और लफ्ज यूज होता है, इसका अपोजिट क्या है, प्रोटेक्शन का अपोजिट कैशलेस। इसमें क्या फर्क है प्रोटेक्शन और कैश वैल्यू? कैश वैल्यू वो अमाउंट है जो उसके प्लान के मैच्योर होने के बाद उसको मिलेगी, यानी कि जिंदा होने की सूरत में जो पैसे मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो कैश वैल्यू होती है। और किसी भी मिस हेयर की सूरत में ये डेथ का लफ्ज जो है ये एक तो इनफ भी नहीं है, जैसे मुबीन सर ने कहा कि इनफ भी नहीं है, और दूसरा ये कि अच्छा लफ्ज भी नहीं है। देखो मरना कोई किसी को अच्छा लगता है? अगर आप क्लाइंट से ये बात डायरेक्ट शुरू कर देंगे कि सर जब आप मर जाएंगे तो हम आपको 20 लाख रुपया देंगे, तो वो कहेगा यहाँ से पैसे, ठीक है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। तो इसके लिए एक वर्ड है जो ये, देखिए अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है, ये यूज करें, बात तो वही है ना, लेकिन ये एक मिसहैप जो है वो इसमें देखें, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी आ गई मिसहैप में, मिसहैप नहीं सारी चीजें कवर हो गई, और लफ्ज भी बुरा नहीं लगता बोलते हुए, डेथ के मुकाबले में मिसहैप का लफ्ज बुरा नहीं लगता, ऐसा है ना? जब जी कहेंगे सर आपको डेथ की सूरत में हम आपकी मौत की सूरत में 20 लाख रुपया देंगे, और इससे अगर आप उसको इसके साथ एक और लफ्ज यूज कर लेगा, देखिए अल्फाज का चुनाव खूबसूरती के लिए, सर खुदा ना खास्ता, सर अगर खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप हो जाए तो पहले दिन से हम आपको माली तहफ़ देंगे, वो हम आपको देंगे, एक अपने आइडिया एक लिख दें 10 या 20 लिख दें, बाद में उसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले को यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोटेक्शन, उसको मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मल्टीप्लाई बैक मल्टीपल कवर। अब यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा, मैंने जानबूझ के कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन तक इस नीड एनालिसिस के आखिर में पहुँचेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मैं उससे पूछ सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन उससे अभी नहीं पूछ सकता हूँ, स्टार्ट में नहीं पूछ सकता ना, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो उससे पूछ सकते हैं ना बंदे से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसके मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, उसी से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता है ना, एक बंदा जितने खर्चे करता है वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, एक एक बंदे के घर में एक एसी लगा हुआ है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस बंदे के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कम है जिसके घर में 2 एसी लगे हैं, और इसके अलावा जिसके घर में 3 एसी लगे हैं उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उतना, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सपेंसेस एक चीज़ है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सपेंसेस एक ही चीज़ है।